देखिए ओशो ने सारे, मैंने आपको कहा ना, जितने भी आयाम हैं जैसे परमात्मा से जुड़ने के या जीवन को जीने के, जैसे किसी का भक्ति मार्ग है, किसी का तंत्र मार्ग है, किसी का ध्यान मार्ग है, तो हमने कोई समाज से हट के कोई बात की है। समाज में हमारे जो भी समस्याएं हैं, हमारी एजुकेशन रिलेटेड उन्होंने, रेवोल्यूशन एजुकेशन पे उन्होंने बोला है, शिक्षा व्यवस्था पे बोला है, राजनीति पे उन्होंने बोला है, बहुत जो सारे संसार में, मतलब कि जो प्राणी को एक हर चीज़ जो बारे में जानना चाहिए वो हर चीज़ के बारे में बोले हैं। तो ये एक बार जरूर एक बार आकर पटना में पुस्तक मेला में लगा हुआ है बुक स्टॉल, एक बार आएँ। और डिस्काउंट कितने मिल रहा है सर आपको बुक पर? हमने आपको कहा कि हम लोग की जो प्राइस है वो ऑलरेडी 40-50% कम में है, उसके बाद भी हम लोग 10% डिस्काउंट सभी को दे रहे हैं, और यदि कुछ सीरीज की बुक्स लेते हैं तो उसमें 20% डिस्काउंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरबियन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार जी, मैं अभी आया हूँ ओशो स्टॉल बुक स्टॉल पर। हमने सोचा, कुछ बुकें मैंने ख़रीदा, मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाएँ किस तरह से इस जगह आपको जो बुक स्टॉल पटना में लगा हुआ है, उस जगह हमारे ओशो जी का, महाराज जी का लगा हुआ है, साथ में बुक स्टॉल के जो आपको मैनेजमेंट करते हैं वो हमारे साथ महाराज जी हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। बताएं, जिस तरह से ओशो जी का वाणी से लोगों को जो प्रेरणा मिलती है, जो उत्साहित होते हैं लोगों, जो बदलाव आती है, उस कड़ी में आप क्या बोलना चाहेंगे? बुक के आप स्टॉल लगाए हैं, क्या आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ओशो एक धर्म के जगत में एक नई कड़ी है। उन्होंने अध्यात्म के सारे आयामों को, जितने भी उन्होंने किसी हिंदू या किसी सिख या सारे जितने भी धर्म के, भारत के जो पुरातन जो हमारी संस्कृति है, सब पे उन्होंने व्याख्या की। और ये समझ जाइए कि हमारे और उनके बीच में जो डिस्टेंस था, जो बुद्ध के हमारे बीच में 2500 साल का गैप था, उसमें बहुत सी चीज़ें जो उस पर समझ लीजिए धूल जम गई थी, उसको प्योरीफाई करके बुद्ध को हमें नूतन रूप में हमें उसको पेश किया। हमारे दर्शक को बताने की कौन कौन सी बुकें यहाँ पर अवेलेबल है और किस किस तरह की बुकें यहाँ पर अवेलेबल? देखिए ओशो ने आकर, आप लोग जो दर्शक देखें तो एक बार आकर लें, और जो मोटिवेशन के एक तौर पर आपको उभरे हैं, जिस तरह से वाणी से उनके जो परिवर्तन जीवन में हो रहा है, उस जीवन के एक बुक की तरह से, बुक के माध्यम से भी हो लोगों। देखिए ओशो ने सारे, मैंने आपको कहा ना, जितने भी आयाम हैं, जैसे परमात्मा से जुड़ने के या जीवन को जीने के, जैसे किसी का भक्ति मार्ग है, किसी का तंत्र मार्ग है, किसी का ध्यान मार्ग है, तो भगवान की जो प्रेरणा है, जो उनकी देशना है, वो सारे आयामों की है। यदि जो आदमी तंत्र का प्रेमी है तो तंत्र भी उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या की है, सरापा भी उन्होंने बोला है, भक्ति के अंदर में कबीर हैं, नानक हैं, मीरा है, उन पर उन्होंने टिप्पणी की है, बुद्ध ध्यान पे है तो उन्होंने बुद्ध पे की है। तो जिस तरह के भी मनुष्य व्यक्ति, माने हर तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हैं ना, तो सारे व्यक्तित्व वाले लोग के लिए सब चीज़ अवेलेबल है, प्रेमी के लिए, ध्यानी के लिए, और आज की जो मतलब राजनीति की जो स्थिति है उस पर उन्होंने बोला है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई समाज से हट के कोई बात की है, समाज में हमारे जो भी समस्याएं हैं, हमारी एजुकेशन रिलेटेड उन्होंने, रेवोल्यूशन एजुकेशन पे उन्होंने बोला है, शिक्षा व्यवस्था पे बोला है, राजनीति पे उन्होंने बोला है। मुख जैसे बुके हैं उनके थोड़ा नाम ले लें, कौन कौन से बुके यहाँ पर अवेलेबल है? 700 किताबें भगवान की हैं, उसमें से हमारा जो पब्लिकेशन है ये काठमांडू से है, इसमें हम लोगों ने अभी 200 बुक प्रकाशित की है, और हमारी जो बुक्स हैं वो ओशो की बहुत कॉस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। हमारे ओशो तपोवन ने जो बुक्स पब्लिश की है वो बहुत कॉस्ट प्राइस पे है, तो ये मतलब साधारण लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इस ऐसे प्राइस पे उन्होंने रखा है। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं एक बार आकर जो जीवन में जो परिवर्तन लाने के काम करते हैं, परिवर्तन लाए हैं हर जगह, अभी ला रहे हैं, बुक के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, जो ओशो जी महाराज काम किए बहुत, जो सारे संसार में, मतलब कि जो प्राणी को एक हर चीज़ जो बारे में जानना चाहिए वो हर चीज़ के बारे में बोले हैं। तो ये एक बार ज़रूर एक बार आकर पटना में पुस्तक मेला में लगा हुआ है बुक स्टॉल, एक बार आएँ। और हर डिस्काउंट कितने मिल रहा है सर आपको बुक पर? हमने आपको कहा कि हम लोग की जो प्राइस है वो ऑलरेडी 40-50% कम में है, उसके बाद भी हम लोग 10% डिस्काउंट सभी को दे रहे हैं,
और यदि कुछ सीरीज़ की बुक्स लेते हैं तो उसमें 20% डिस्काउंट। थैंक यू। तो एक बार ज़रूर आएँ, और 40 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब हर बुक पर, हर कैटेगरी का है, उस माध्यम से आपको छूट मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आरबीएन हिंदुस्तान।